अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू फीफा स्टार्ट्स पावर्ड बाय वेव्स, क्योंकि नाम ही काफी यार। वैसे आजकल मौसम बहुत ही बुरा है, तो इसलिए साथ साथ ना गर्म गर्म पानी में नहाना चाहिए और पीना भी चाहिए। चाय पीनी चाहिए यार, मैं तो ग्रीन टी यार। फिटनेस एट द पीक। तो तुम्हारा वेव्स का वाटर हीटर अच्छा काम कर रहा है? बेहतरीन। कितने लोग नहा लेते हैं एक गो में? इज्तिमाई शावर थोड़ी एक टाइम 20 ना लेते हैं कटे नहीं यार, देखो कभी बार होता है ना, एक एक बंदे ने वो शावर लिया, उसके बाद पानी गर्म पानी नहीं आ रहा होता है, ये इश्यूज होते हैं एवरीथिंग। नहीं, वो जैसे नहाते हैं वो वापस टैंकी में जाते हैं। यार देखो, मैंने तो मेरा तो शावर है ना, 8-10 लोग नहाने तब भी गर्म पानी उसी यानी उतना ही गर्म पानी आ रहा होता है, ठंडा नहीं हो रहा होता। बड़ा वाटर हीटर है आपके क्या? यस, लोग भी ज्यादा, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना यार, समझा दो। इसमें हंसने की कौन सी बात है? शावर की बात कर रहा हूँ, वेव्स का वाटर हीटर, स्टडियस वाटर हीटर 24/7 चलता है, बिजली गैस बहुत ही है, तो इसलिए मसला कोई नहीं होता यार, गर्म पानी कंटिन्यूसली आता रहता है। ये ऐसी है जैसे अर्जेंटीना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। पहला मैच सिर्फ हारी थी, उसके बाद तो वाकई अच्छा परफॉर्म कर रहा था ना। मैंने स्पेन की तरह यार, मैंने साइड ली थी क्रोशिया की ली थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड यार, तो ये मेरे समझ नहीं आ रही ब्राजील से कैसे जीत गए यार ये लोग क्रोशिया। हाँ यार देखो, मॉरल तोड़ना पहला स्टेप होता है, मॉरल तोड़ना, ठीक है। वो क्रोशिया अच्छा खेल रही थी, लेकिन क्रोशिया का जो अच्छा खेल रही स्टार्ट की पहला वो अच्छा खेल रही यार, जो थर्टी वो जो गोल किया है जो पहले प्लेंटी हुई है, ये सारी गलती जो थी ना उसकी थी, कीपर की थी। कीपर अगर टांग हटा देता ना शायद गोल नहीं होना था। सर वैसे बताओ कि पेनल्टी थी? हाँ थी ना, 100% थी। इंग्लैंड के जो है ना एक्सपर्ट्स वो कहते हैं नहीं है, उनको पता नहीं क्या साड़ा है रोनाल्डो और मेसी, वो निकल गए ना, जो निकल गए ना वो रोता रहेगा। रहे देखो कहीं भी कुछ भी होता है ना, देखो कोई कॉम्पिटिशन होता है ना, जो बंदा हार जाता है ना वो रोता रहेगा, थ्रू आउट रोता रहेगा, ठीक है। जो सही बात है वो सही बात है। देखो कीपर अगर टांग अपनी साइड पे कर लेता तो वो कितना गिरता, लेकिन टेक्निकली कीपर अगर अपनी जगह भी खड़ा हुआ है ना, वो तो प्लेयर आगे घुस रहा है उसके अंदर। लेकिन देखो मैंने 8-10 दफा मैंने वो रिप्ले देखा, ठीक है, कीपर अपनी टांग एंगल थोड़ा चेंज कर सकता था, अगर वो उसने ट्राई भी नहीं किया ना कीपर, उन्होंने नहीं, वो बड़ा ऑल ऑफ सडन था, मुश्किल था वो लेकिन एज पर फीफा रूल्स वैसे वो पेनल्टी थी, तो थी तो मिली ना। हाँ लेकिन क्या उसने पेनल्टी मारी है मेसी ने, टू गुड भाई, वो बदमाश मोड ऑन है उसका, वो उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए ग्राउंड में, वो उल्टा ही पीछे है भाई। आईबैक्स मोड ऑन है, आईबैक्स मोड, आईबैक्स बकरा ही होता है ना, गोट है गोट। और भाई वो सींग मारता है, आईबैक्स आईबैक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट एनिमल, ठीक है, मार्सल तो होता है हमारा, ठीक है, आईबैक्स भी कोई कम नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये मैं खुद एक दफा हुंजा गया था शिकार पे, ठीक है, आईबैक्स हम लोग एक कदम लेते हैं ना पहाड़ का, वो दो पहाड़ क्रॉस कर चुके होते हैं, इतनी तेज होते हैं पहाड़ों में। अच्छा यस, मेसी का भी यही सीन लग रहा है मुझे, और सर मारता गुजरी जाता है, गुजरी जा रहा है, उड़ाल की तरह भी हो कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल ना जो उसकी पेनल्टी थी बहुत बहुत ज़्यादा फुली कॉन्फिडेंट, मैंने नहीं देखी, मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने म्यूट भी कर दिया था मैं तो आंखें बंद कर पूरा मैच देखा यार, मजा ही आ गया। मुझे पता था आपने नहीं देखा, मैं मैच नहीं देखा, नहीं ना देखा, हाईलाइट्स देखी यार, बस एक बारह बजे सो गया। नहीं नहीं मैं तो लेट जागता रहा हूँ, लेकिन ये है कि या वो असल में ना पेनल्टी हुई है ना, क्रोशिया डेड हो गई, और उन्होंने उसके बाद ट्राई किया एक बार बॉल को होल्ड करने का। हाँ एक सबसे पता है क्या, एक बोर जो चीज़ है मैं वो अच्छा, मैंने पॉइंट मतलब जो फॉर्मेशन थी ना अर्जेंटीना की, वो उसने स्कलोनी ने 3-4 दफ़ा चेंज किया पूरे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में आने से पहले ये था कि ये एक ही स्ट्रैटेजी से को लेकर चलते हैं, जिसमें डी मरिया और मेसी और लोटारो मार्टिनेज जो हैं ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसने ये आके प्रूव किया है पेप गार्डियोला की तरह कि ना सिर्फ वो हर मैच में हर टीम के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा, फॉर्मेशन चेंज करेगा, और प्लेयर्स के रोल्स भी डिफरेंट डिफाइन करेगा, ठीक है, प्लस उसकी टीम में जो डेप्थ है उसने वो भी शो करवाई है। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक मतलब सऊदी अरेबिया की गेम के बाद हर प्लेयर ने अपना एक डिफरेंट रोल हर मैच में किया। कैसे, कल उन्होंने अपने 4-4-2 खिलाया, तो मिड वाले जो थे 4 प्लेयर्स उनके,
वो होल्ड कर रहे थे बॉल को और पोजेशन के लिए रखे हुए थे कि जब भी बॉल आएगा तो हम उसको इस तरह से खेलेंगे। रन बनाने के लिए उन्होंने पीछे उसको रखा हुआ था अपना राइट बैक को, ठीक है, वो बार बार भाग रहा था और वो रन निकाल रहा था। प्लस ये कि आधे घंटे बाद जब मेसी के पास पेनल्टी के बाद जब बॉल ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ ना, तब से अर्जेंटीना ने पूरा वो कह दिया कि यार ये मैच ही हमारा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्रोशिया को नहीं वो चांस दिया और ना क्रोशिया ने भी जोर यार लगाना जब पहला स्टार्ट गोल हो रहा किया था ना, देखो सेमीफाइनल तो बहुत टफ मैच होता यार है। उन्होंने। अच्छा मजे की बात, उन्होंने कभी हाँ सिवाय कनाडा के खिलाफ स्टार्टिंग के 90 मिनट्स में कभी गोल ही नहीं किया इस पूरे वर्ल्ड कप में, और एक अच्छी ही आई तरह थिंक टीम एक एक ही मैच आई जीते हैं गेस वो। पहले एनालाइज करते हैं टीम को, ठीक है, एनालाइज करते हैं उनकी वो डिफेंस देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी यूज करते हुए दे डू इट। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जो सेकंड यार गोल था यार उसने जैसे पता नहीं मैग्नेट लगाया हुआ साथ, ठीक है। और कुछ सबसे मजे ज्यादा की है चीज ये मैग्नेट से। कि आशा यस भाई यार जो हमारे जो हेड उनका हैं यार, ही इज लाइक 45+ यार, ऑलमोस्ट 47 हो गया ना अब तो, 47 48, 47 यस 48। 47। वो और तीसरे गोल पे मैं बताऊंगा, जो वो मेसी का तीसरा गोल था ना, हाँ उसमें वो वाला मुझे याद है, क्योंकि जहां पे आप बीच में स्लो होते हैं फिर पेस पकड़ते हो इस तरह हाँ करते हैं ना, तो वो जब आपकी एक एज हो जाती है ना, आप अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर अकॉर्डिंगली लेते अडेप्ट हैं, करते हैं। तो तब आपको पता होता है अच्छा ठीक है अगला यंग डिफेंडर भी है ना, और इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर था जिसको वो डांस करवा डांस रहा किया था, ठीक है। अच्छा खैर वो तो बाद में आता, लेकिन जो सेकंड गोल था अल्वारेस का यार, वो उसने अपना रन कंटिन्यू रखा, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे था वो, ठीक है, और उसने उसको किक किया। हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं लक होता है, लक नहीं होता, आपको राइट टाइम पे, राइट हाँ मोमेंट। राइट, हाँ आप देखो वहाँ पे हो गए तो आप डिफेंडर्स कन्वर्ट का कर असल सकते में हैं, देखो प्रॉब्लम, अदरवाइज कन्वर्जन ही तो मेन प्रॉब्लम होता है। और अर्जेंटीना कर रही है कंसिस्टेंटली 2 गोल की लीड ले रही है हर हाँ मैच में। देखो उसमें हुआ ये था कि यार जो डिफेंडर्स थे ना उनकी लेफ्ट और राइट पे विजुअलाइजेशन थी, ठीक है, वो उस पर नहीं फोकस थे, वो एक्सपेक्टिंग कर रहे थे कि बीच में से निकलेगा, ठीक है, वो निकला है और ठक ठक गोल कर दिया उसने, लेकिन उसने फुल एफर्ट किया, मैग्नेट लगा के जो भी था। वो यार वो बॉय बहुत तेज है, मतलब उसकी रनिंग जो है हाँ ना कि भागना जितना, मैंने आपको पहले भी याद एक बात की थी, जिसके पास जितनी पेस होती है हाँ ठीक है वो उतना ज्यादा उसके पास चांसेस भी होते हैं। जैसे एम्बापे है, ठीक है, एम्बापे के पास जितनी पेस है ना वो उतना ही चांस क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उसी उसके पास टाइम गेम टाइम ज्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। यार देखो अगर वो रुक सकता था, इसमें एक प्रॉब्लम और भी नजर आई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो डिफेंडर्स है ना इतने लॉफ्रेन वो यार वो बस हो थक गई थी गए थे उसकी, हाँ ना, उसके उनसे अपना अपना क्लियरेंस करियर ही नहीं हो का रही थी। 3 साल अब हाँ हो चुके हैं उसके प्राइम टाइम को, तो उनसे अब क्लियरेंस ही नहीं हो रही थी हाँ। यार। दूसरा उनका अगर थर्ड गोल जो है मेसी का, ठीक है, उससे पहले मैं अगर कोवाचिच की बात करूँ ना, उनका जो सेंटर था मॉड्रिच और लुका कोवाचिच मॉड्रिस ने यार ट्राई यार बहुत की थी। बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा है, हाँ ठीक है, अभी एक सेकंड में इधर है, एक सेकंड में हाँ उधर, 1 सेकंड में अपने बॉक्स पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। वो उसका बड़ा तो इफेक्ट था, कोवाचिच की बहुत अच्छी गेम थी, ब्रोजोविच की बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे कोवाचिच बड़ा अच्छा लगा इस ओवरऑल क्रोएशियन टीम में, वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन उनको स्ट्राइकर की उनकी बहुत बड़ी कमी थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर लेते ना हाँ वो गोल नहीं मार सकते थे, और ये उनका ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉ रहा है। थर्ड था पर उसका गोल जो मेसी का था, यार तो भाई मेसी बैड इन बॉय वाला उसका इमेज जो है ना फुल टाइम इन है, हो ठीक है, गया, वो मिस्टर नाइस गाय वाला उसने खत्म उसने कर खत्म दिया कर दिया अर्जेंटीना में आके, भाई वो भाई बदमाश है। सेमीफाइनल मजाक थी। नेदरलैंड्स वाला जो था इंसिडेंट सारा, उसके बाद से लेके अब तक वो नहीं रुक रहे भाई, और ठीक इस है टाइम पे ह्यूज फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि एक मोमेंटम में आ गई है, समझो कि जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था वर्ल्ड कप का फाइनल, और इसी टाइम इंग्लैंड में पूरे मोमेंटम में था, पूरी टीम खेल रही है, सिर्फ मेसी नहीं खेल रहा, मैसेज सारे सारे रहा। बंदे अब मेसी के लिए खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ना, लेकिन आज का मैच भी बहुत अच्छा होगा मोरक्को और फ्रांस का, यार ये अब एक क्वेश्चन मार्क है यार, वॉच वो को ना हैपन यार। हाँ, क्योंकि मोरक्को को सेम अर्जेंटीना जैसे 95% क्राउड उनका होता है, ऐसी हाँ सेम मोरक्को का मोरक्को का होगा, होगा ठीक है, तो उसको वो एज होगा, प्लस उसके एथलेटिक बॉडी एथलेटिक वाले बॉडी सारे वाले, हैं सारे प्लेयर्स, तो तुम एक मोरक्को के साथ हो कि तुम फ्रांस अगर के अल्लाह करे साथ? मोरक्को आ जाए तो मोरक्को खुद से वर्ल्ड कप यार जीत लेगा, आई क्योंकि रियली वांट कि मोरक्को आ जाए, क्योंकि आई वांट टू सी मुस्लिम भाई। कंट्री। हाँ मुस्लिम कंट्री प्लस ए डिफरेंट चीज भाई, कुछ फ्रांस फ्रांस हम देखते रहे, अर्जेंटीना भी देखते रहे, एवरीथिंग ऑब्वियसली वो फेवरेट प्लेयर्स हैं दोनों साइडों में, लेकिन एक चीज डिफरेंस क्रिएट यार करना दे दें बहुत यार जरूरी वर्ल्ड है। कप चुप करके मैसी को बस खत्म करें मोरक्को को दे दें, चुप बात करके खत्म करें, सही नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो करें। ओ नहीं, तुम मैं ये मैसी फैन को बोला, फैन ओ प्रॉपर फैन बॉय दुआ मैं करो कि तो आज मैं 12 बजे उठ जागता उठ के मैं देख लूं।
जाके नहा रहा। मेरी तो इंसान वाली नेचर है, तुम्हारी चूहों वाली नेचर है, रात को निकलते हैं और इंसान क्या करते हैं, टाइम पे सोते हैं। अच्छा, चूहे निकलते हैं रात को, ठीक है। तो इस वजह से मैं अब क्या करूँ, चूहे रात को एक्टिव होते हैं। बादल है, और भी जानवर है यार, आउल भी होता है, रात को निकलता है। हाँ तो तुम कौन, तुम चूहे में चूहा ही हो ना यार, ये काट दो यार, क्यों काट दो भाई। अच्छा ठीक है, तो इट वॉज अ गुड मैच और फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग ग्रेट। नहीं कुछ करना तुम्हारे साथ, दिस इज मस्ट थिंग, देख लो यार। ओके गाइस, अब आई होप आप लोगों ने, हम विनर अनाउंस करते हैं ना ये करके। मैं विनर ही अनाउंस करने लगा था, टेंशन ना लो तुम। सो गाइस, एंटीसिपेट एंड विन जो कॉम्पिटिशन था हमारा, उसके अंदर अर्जेंटीना वर्सेस क्रोशिया के जो विनर हैं वो हैं जोजा जीशान। ये नाम सही पढ़ा आप, एक दफा पढ़ लें, लग तो मुझे यही रहा है। पढ़ पढ़ दो ना, सॉरी अगर हमने गलत नाम प्रोनाउंस किया। हाँ, आप भी पढ़ दो ताकि मुझे भी यही लग रहा है, जोजा जीशान। ठीक है, जोजा जीशान, यू आर द विनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फीफा स्टड्स पावर्ड बाय वेव्स। नाम ही काफी है। वेव्स, नाम ही काफी है।